नमस्कार दोस्तों, आपका आपकी फूडी किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता। हम इन्हें मलाई कोफ्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बॉल्स है वो आलू और पनीर की बनी होती है, जिन्हें हम फ्राई करते हैं। फिर इनके ऊपर एक रिच क्रीम डालते हैं जो हमारे मुंह के अंदर जाते ही घुल जाते हैं, इसलिए हम इनको मलाई कोफ्ता कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी मलाई कोफ्ता रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने 2 उबले आलू और 100 ग्राम पनीर लिया है। हम इन्हें कद्दूकस की सहायता से कस लेंगे। फिर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर हम इसमें इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो पनीर है उसमें थोड़ी सी नमी होती है। फिर हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। जब ये हमारे अच्छे से मिल जाएंगे तो हम हाथों पर ऑयल लगा लेंगे और छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे जिसमें हम ऑयल गरम कर लेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो उसमें हम बॉल्स डाल देंगे। हम बॉल्स को उतने डालेंगे जितनी कि उसमें आ जाएं। और हम गैस की फ्लेम मीडियम से भी कम रखेंगे जिससे कि बॉल्स अंदर तक सिक जाएं। जब हमारी बॉल्स दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम उन्हें प्लेट में निकाल देंगे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई या पैन लिया है जिसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। मैंने 2 इलायची, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी, 7 से 8 काली मिर्च और आधा चम्मच साबुत जीरे का प्रयोग किया है। इन्हें हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। जब ये भुन जाएगी तो हम इसमें मोटी कटी हुई प्याज डाल देंगे। यहाँ मैंने 3 प्याज का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं प्याज हल्की सी पक गई है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। यहाँ मैंने 3 टमाटर का प्रयोग किया है और 7 से 8 काजू डालेंगे। इन्हें भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। जब ये भुन जाएंगे तो हम इन्हें ठंडे होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो हम मिक्सर जार की सहायता से इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमें इस पेस्ट को चलने की सहायता से छान लेंगे क्योंकि हमें इसकी जो प्यूरी है बिल्कुल क्रीमी चाहिए। आप देख सकते हैं सब्जियों और खड़े मसाले के कुछ रेशे बचे हैं, अब इनको एक तरफ रख देंगे। अब हमें कढ़ाई या पैन का प्रयोग करेंगे। यहाँ मैंने उसी पैन का प्रयोग किया है। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल और कुछ बटर डालेंगे। ऑयल और बटर दोनों डालने से इसका अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पिसी हुई प्यूरी डाल देंगे। अगर आप अदरक लहसुन खाना पसंद करते हो तो सबसे पहले ऑयल में अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लें, उसके बाद प्यूरी डालें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक को हम अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और प्यूरी को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब हमारी प्यूरी अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद इसमें 2 चम्मच क्रीम डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ घर की मलाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रेवी को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम गैस पर पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे जिसे हाथों से क्रश कर लेंगे। ग्रेवी को हम 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। और इस तरह से हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हम कोफ्तों को एक कटोरी या प्लेट में लेंगे जिसके ऊपर ग्रेवी डाल देंगे जिसे हम धनिया और क्रीम के साथ सर्व करेंगे। और इस तरह से हमारी मलाई कोफ्ता बनकर तैयार है। आप इन कोफ्तों को खाएंगे तो आपके मुँह में जाते ही घुल जाएंगी। यह बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बने हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल आपकी फूडी किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।